हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई, और ये हम अपने एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिश फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने ये हाफ के जी फिश ले ली है, और मैंने इसे इस तरीके से क्यूब्स में कट करवा लिया है। ये बोनलेस फिश है, इसमें कांटे बिल्कुल नहीं है। और जो फिश को फ्राई किया जाता है वो बोनलेस फिश को ही फ्राई किया जाता है, जिसमें कांटे ना हो, ताकि कांटे चुभे नहीं। मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है, इसकी स्मेल बिल्कुल आउट कर ली है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िश को किस तरीके से वॉश किया जाता है ताकि उसमें स्मेल बिल्कुल ना रहे। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। फिश में डालने के लिए मैंने कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं, जिसमें ये 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, और इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाला हुआ है, ताकि इससे कलर बहुत अच्छा है। हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, और 1 टी स्पून ही चाट मसाला पाउडर लिया है, और 1 टी स्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। एक लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है, 1 टी स्पून मैंने अजवाइन पाउडर लिया है। इसे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसलिए आप प्लीज़ इसे स्किप ना करें। 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है, 1.5 सर्विंग स्पून हमने बेसन लिया है। तो आइए फिश को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। हम अपनी फ़िश को 2 बार मैरिनेट करेंगे। फर्स्ट टाइम मैरिनेशन के लिए हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ मिर्चे हम अभी डाल देंगे, और हाफ मिर्चे हम सेकंड मैरिनेशन में डालेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, उसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 2 टाइम इसलिए मैरिनेट कर रहे हैं क्योंकि इससे जो नमक मिर्च का टेस्ट है और जो लहसुन अदरक का पेस्ट का टेस्ट है वो इसमें बहुत अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अपना सभी सामान। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा मैरिनेट करना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी फ़िश को फर्स्ट टाइम मैरिनेशन के साथ। अब हम इसमें बाकी के सभी मसाले ऐड कर देंगे, बेसन ऐड कर देंगे, अजवाइन पाउडर, बाकी सारे पाउडर मसाले। इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने सभी मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं हमारे सभी मसाले। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा हो चुका है हमारे फिश को मेरीनेट हुए, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और एक एक करके अपनी कढ़ाई में पीस डालना स्टार्ट करेंगे। तेल को आप एक बार अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद मीडियम कर लें। हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हम अपने सारे पीसेस फ्राई करेंगे। एक एक करके हम अपने पीसेस कढ़ाई में ऐड कर देंगे, इसे हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे। एक मिनट हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे, एक मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। 1 मिनट हो चुका है हमारी फिश को, अब हम इसे टर्न करना स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट से पहले हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वरना हमारी फिश पे से कोटिंग हट जाएगी। हमने
हमने सभी पीसेस को टर्न कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे एक मिनट इसी तरीके से पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है हमारे फिश के पीसेस को दूसरी साइड से भी। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता टेंडर होने में। अब हम इसे हाई फ्लेम पे इसलिए कुक कर रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। तो हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारे फिश फ्राई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। हमने एक ट्रे में टिश्यू पेपर बिछा लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत डिलीशियस बनते हैं ये। अपने सभी फिश पीसेस को हमने बाहर निकाल लिया है, ये देखें। हमने इसे टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर ले वो। अब हम सेम इसी प्रोसेस से अपना सभी फिश फ्राई कर लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फिश फ्राई बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे गरम गरम सर्व करें, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें और ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ इसे सर्व करें। ये गरम गरम बहुत टेस्टी लगती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका, आप देखें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो आज की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।